वेल शो का नया प्रोमो तो आप सब ने देख ही लिया होगा, जिसे देखकर हम सब की तरह आपके भी यकीनन होश उड़ गए होंगे। इस खूबसूरत नन्ही सी जान को आप देख सकते हैं कि कैसे वो कोठे पर पहुंचने की कगार पर इस प्रोमो में दिखाई गई है, जहां इस प्रोमो में नया रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है अनिरुद्ध बोंदिता के साथ साथ सब किसी का। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अनिरुद्ध भी कैसे कसम खाकर बोंदिता को वापस लाने के लिए उसे ढूंढने के लिए कसम खाता है। लेकिन अपकमिंग ट्रैक में होने वाली है बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने के लिए मिलने वाला है। दरअसल जहां पर कोठे पर वो अनजान शख्स बोंदिता को लेकर आया है और उस मुजरा गर्ल के पास ले जाएगा उसे बेचने के लिए, वहां पर वो ऑलरेडी पहचान जाएगी बोंदिता को, क्योंकि गांव में जब वो मुजरा गर्ल आई थी किसी काम से तब उसकी बोंदिता से मुलाकात हुई थी, जहां पर उसे बहुत ही बुरा लगा था कि सब गाँव वाले उसे छोड़ी हुई औरत कहकर परेशान कर रहे थे। और शो के सोर्सेस की माने तो होने वाला है इस कहानी में कुछ यूं कि जैसे ही मुजरा गर्ल देखेगी बोंदिता को मंडी बाज़ार में, हीरा बाज़ार में, वहां पर आप देखेंगे कि वो बोंदिता को अपने पास ले लेगी और किसी को भी उसे छूने तक नहीं देगी। उसके बाद कैसे बोंदिता की मदद करती आएगी मुजरा गर्ल नज़र, ये सब कुछ देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन इस प्रोमो की अगर बात की जाए तो हम सब के हिसाब से एक छोटी सी उम्र की बोंदिता जैसी किसी शादीशुदा औरत के साथ अगर ऐसा कुछ अन्याय होता है तो यकीनन समाज को भी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इस शो की कहानी में सिर्फ अनिरुद्ध ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो बोंदिता के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब ऐसे में जब अनिरुद्ध को पता चलेगा कि बोंदिता को यहाँ तक पहुँचाने में सिर्फ और सिर्फ उसके एक फैसले का ही हाथ है, तब वो क्या करेगा और कैसे बोंदिता को वापस घर लाएगा, ये सब कुछ देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग।